कौन छोटो खुश, तो कैसे आप सभी लोग, होप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वुड यू इवन फॉल इन लव विद पर्वत एज लॉन्ग एज इट्स क्यूटी एनिमे का एपिसोड नंबर 5। हाँ, मुझे पता है बहुत दिन हो गए एपिसोड 4 को अपलोड किए हुए, एंड थोड़ा बिजी था इसीलिए ये एपिसोड आने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन कोई नहीं, अब सारे एपिसोड जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो चले बिना किसी देरी के एक्सप्लेनिंग शुरू करते हैं। तो एपिसोड के शुरू में हमें सायुकि सेनपाई एंड केइकी का वो वाला फ़ोटो दिखाया जाता है, एंड केइकी बोलता है अगर ये फ़ोटो किसी ने देख लिया तो मेरी तो खटिया खरी हो जाएगी, इसलिए उस लेटर में जैसा लिखा था वैसे ही वो फोटोग्राफी क्लब के रूम में पहुंच जाता है। एंड वहाँ पे पहुंचने के बाद वो अंदर जाता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था एंड एकदम अंधेरे सा एक कमरा है। अचानक से पीछे से एक लड़की आवाज़ देती है कि क्या तुम ही केइकी हो, एंड बोलती है पीछे मत मुड़ना एंड कोई भी मूवमेंट मत करना। एंड अगले सीन में हमें केइकी को दिखाया जाता है कैलोग्राफी क्लब रूम में, जहाँ पे वो फोटो खींच रहा है एंड बोलता है कि हर लड़के का सपना होता है एक बनी गर्ल को देखना, एक बनी गर्ल जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, एक लड़की जो बनी के कॉस्ट्यूम में होती है। एंड वो कह रहा है कि ये किसी के डेली लाइफ का रूटीन नहीं है कि वो एक बनी गर्ल को देख पाए, लेकिन शायद मेरा सपना सच हो रहा है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है यूई का चांद को, जो कि एक बनी गर्ल सजी हुई है, मतलब उसका कॉस्प्ले किया है, एंड बोलती है सायुकि सेन पे से पूछता है कि ये बनी गर्ल क्यों बनी है, एंड सायुकि सेन पे बोलती है कि ये यानी कि यूई का चांद कैलोग्राफी क्लब ज्वाइन करना चाहती थी एंड मैं उसे मना नहीं कर सकती थी क्योंकि मना करने जैसे कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने एक शर्त दिया कि अगर तुम बनी गर्ल का कॉस्ट्यूम पहनती हो तो फिर मैं तुम्हें कैलोग्राफी क्लब में आने दूंगी, एंड वो मान जाती है, इसीलिए वो बनी गर्ल की कॉस्ट्यूम में है। एंड बोलती है कि ये वाला कॉस्ट्यूम मैं ही पहनना चाहती थी, लेकिन मेरे चेस्ट के साइज़ के वजह से मैं ये नहीं पहन पाई, इसीलिए मैंने ये उसे पहनाया। एंड यहाँ पे यूई का बोलती है कि विच सेनपाई आप बहुत ही ज़्यादा बुरी है, एंड सायुकि सेनपाई पूछती है कि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम मुझे विच सेनपाई कह रही हो, लेकिन ऐसा क्यों। तभी यूई का बोलती है कि बिग चेस्ट वाली सारी लड़कियाँ एक बहुत ही ज़्यादा मेरे दुश्मन हैं, एंड वो विच ही कहलाने के लायक है, इसीलिए मैं आपको विच कहती हूँ। एंड साइक यहाँ पे बोलती है कि तो फिर तो तुम एक चेस्टलेस मॉन्स्टर हो, एंड यहाँ पे वो अपने चेस्ट के साइज को लेके लड़ने लगता है, एंड केइकी आके उन दोनों को रोकता है। एंड केइकी पूछता है तो फिर नानजो यहाँ पे क्या कर रही है, एंड नानजो बोलती है मैंने भी कैलोग्राफी क्लब ज्वाइन किया है। वो कैसे, साइक सेनपाई को नानजो ने एक BL यानी कि वो वाला लड़कों का रोमांस वाला बुक गिफ्ट किया है, एंड इसके वजह से सायुकि सेनपाई उसे ये क्लब ज्वाइन करने देती है, एंड सायुकि सेनपाई को भी ये सारी बुक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड एक बुक लेके वो यूई का चैन को देती है, एंड यूई का चैन देख के तो बहुत ही बड़ी फैन हो जाती है, एंड सायुकि सेनपाई को गले लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चेस्ट की वजह से वो गले नहीं लगा पाती है। एंड देन अगले सीन में हमें वो फोटोग्राफी क्लब वाले लड़की को दिखाया जाता है, एंड ये लड़की केइकी को सायुकि सेनपाई एंड केइकी का वो वाला पिक्चर दिखा के बोलती है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की कोई भी मूवमेंट किया तो फिर तुम्हारा लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, एंड बोलती है आई लाइक। एंड यहाँ पे केइकी को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, एंड वो सोचता है शायद यही सिंड्रेला है, एंड उस लड़की का हाथ पकड़ के बोलता है लेट्स गेट मैरिड, एंड वो लड़की बोलती है तुम्हें शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो अरे आकियामा कुन को पसंद करती हूँ, यानी कि आकियामा शोमा जो कि है केइकी का बेस्ट फ्रेंड। एंड देन वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जाके बात करते हैं, एंड वो लड़की कहती है कि ये एक वन साइडेड लव है मेरे तरफ से, एंड मैं पिछले एक साल से आकियामा कुन को पसंद करती हूँ एंड उसे स्टॉक कर रही हूँ, एंड हम दोनों को मिलाने के लिए किसी ना किसी की मदद चाहिए थी मुझे, एंड तुम उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो तो फिर इस काम के लिए मैंने तुम्हें ही चुना है, एंड ये देखो मेरे हाथ ये पिक्चर लग गया है एंड जिसके मदद से मैं तुम्हें काम करा सकती हूँ। एंड बोलती है कई की पूछता है आप कैसे उसे पसंद करती है या फिर जानती है, तो ये बोलता है एक साल पहले एक दिन मेरा
हैट एक पेड़ के ऊपर फंस गया था एंड आकियामा कुन ने मुझे वो ला के दिया था। तब से मैं आकियामा कुन को जानती हूँ एंड उसे पसंद करने लगी हूँ एंड तब से ही मैं उसे स्टॉक कर रही हूँ। एंड केके बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि एंड केके बोलता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप उसे पसंद करती है एंड एक और एक अच्छी बात है कि आप उसकी स्ट्राइक जोन पे है क्योंकि उसे लॉलीज बहुत ही पसंद है। एंड वो लड़की बोलती है हाँ ये मुझे पता है लेकिन मैं उससे सीनियर हूँ। एंड ये सुन के तो बहुत ही बड़ा एक घमासान मच जाता है केकी के दिमाग में क्योंकि उसके सीनियर से तो रिलेशन करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ है एंड आकियामा को भी सीनियर पसंद नहीं है लॉलीज पसंद है। तो फिर इसको लेके थोड़ा मुश्किल में पड़ जाता है केकी। एंड हर एक बैच का जो कॉस्ट्यूम है स्कर्ट है उसका कलर अलग है जैसे कि सीनियर्स का कलर है स्कर्ट का ब्लू एंड जूनियर्स का है पिंक ऐसे। तो अगले सीन में हमें केके को पार्क में दिखाया जाता है जहाँ पे वो ये सब सोच रहा है एंड देन उसके बहन वहाँ पे आ जाती है एंड बोलती है कि तुम मेरे सामान घर पहुँचाने में थोड़ा मदद करो एंड वो मदद करता है एंड उसके बहन को आइसक्रीम भी खरीद कर देता है। एंड उसके बहन बोलती है कि गर्मियों आ चुकी है इसीलिए हमें गर्मियों का कॉस्ट्यूम मतलब यूनिफॉर्म उतारना पड़ेगा। एंड उसे पता चलता है कि गर्मियों में सभी लड़की का स्कर्ट एक ही कलर का होता है जो कि है पिंक इसीलिए कौन सीनियर है और कौन जूनियर है ये पता नहीं चलेगा। सो इसीलिए ये नए कॉस्ट्यूम में केकी आकियामा कुन यानी कि उसके जिगरी दोस्त एंड वो लड़की जिसका नाम है ओतोरी सान उन दोनों को मिला देता है। एंड उसका दोस्त शोमा इस लड़की को देख के बोलता है क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ एंड बोलता है तुमने मुझे इसे पहले क्यों नहीं मिलाया एंड बहुत सारी चीज़ें। फिर वो दोनों एक फ़ोटो खींचते हैं एंड देन आकियामा को कुछ काम था इसलिए वो चला जाता है। एंड यहाँ पे ओतोरी सान केके को थैंक यू बोलता है एंड बोलता है कि सॉरी तुम्हें ऐसे ब्लैकमेल करने के अगर मेरे लायक कुछ मदद हो तो फिर मुझे बताना। सो केकी फिर से वो फोटोग्राफी क्लब में जाता है एंड सिंड्रेला का जो एक सीन है एंड वो पैंटीज का सीन है वो सब कुछ इस लड़की को बता देता है। एंड ये लड़की बोलती है क्या कोई और जानता है। फिर केकी बोलता है आकियामा कुन के अलावा और कोई नहीं जानता एंड वो लड़की बोलती है तो फिर तो ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है ठीक है। तो उस दिन क्लब रूम के तरफ जितने भी लड़कियाँ गई थी सभी इस सिंड्रेला के मतलब ये सिंड्रेला होने का चांसेस हैं यानी कि सिर्फ क्लब रूम में जितनी लड़कियां थी वो नहीं बल्कि क्लब बिल्डिंग में जितनी लड़कियां थी सभी सिंड्रेला होने के चांसेस हैं। एंड देन वो इसके बारे में बात करने के लिए कैलोग्राफी क्लब की तरफ जाता है एंड दरवाज़ा खोलते ही देखते हैं युविका चान वो मेड वाली एक ड्रेस पहनी हुई है एंड ये देख के वो दरवाज़ा बंद करके आ जाता है एंड बोलता है अब कैलोग्राफी क्लब रूम तो एक नेस्ट परवर्ट्स हो चुका है वहाँ पे जाना खतरों से खाली नहीं है। एंड देन वो सिरो की तरफ बढ़ता है एंड वहाँ पे एक लड़की को देखता है जो कि है स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट एंड वो लड़की बहुत सारे कागज़ लेके उतर रही थी तभी वो फिसल जाती है एंड देन वो केकी के ऊपर पड़ जाती है एंड केकी बोलते हैं थोड़ा हट सकते हो एंड क्या तुम ठीक हो। वो लड़के बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ एंड केकी को सूंघने लगती है एंड बोलती है क्या मैं थोड़ी देर ऐसे और रह सकती हूँ एंड ये भी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एक कमेंट कीजिए ताकि वीडियो का रीच बढ़े एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड या ऑब्वियसली हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो एंड अगर नहीं भी देखा फिर भी सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई एनिमे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए